हाय, स्वागत है आपका माय लर्निंग शीट में। क्या हो जब मेरे पास एक्सेल में एक लिस्ट हो और उसका मेरे पास हो प्रिंट आउट और मुझे करना हो चेक, लेकिन बार बार देखकर करने से अच्छा है कि मेरा जो डेटा है वो एक्सेल खुद बोलकर चेक कराए। कैसे? तो मैं बताता हूँ कैसे बोलकर एक्सेल चेक कराएगा। Stores, item, quantity, store A, mobile, 5, store B, laptop, 4, store A, laptop. वाह, तो देखा आपने कि एक्सेल कैसे बोलकर मेरी लिस्ट चेक करा रहा था। लेकिन अब आपके दिमाग में होगा ये होता कैसे, तो इस वीडियो में इसी फीचर के बारे में बात करेंगे कि हमारा एक्सेल खुद बोलकर हमें कैसे हमारी लिस्ट को चेक कराएगा। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलता है और यहाँ पर हम इसे क्लिक करेंगे यहाँ पर, और हम जाएंगे मोर कमांड्स पर उस फीचर को निकालने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलता है पॉपुलर कमांड का, यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे ऑल कमांड्स। एंड यहाँ पर हमें सर्च करना है स्पीक सेल, तो एस प्रेस करेंगे और नीचे की तरफ बढ़ेंगे स्पीक सेल ढूंढने के लिए। तो हमारा स्पीक सेल आ चुका है। यहाँ हमें एक ऑप्शन मिलता है स्पीक सेल। स्पीक सेल ही है दोस्तों जो खुद बोलकर एक्सेल हमारा काम को आसान करेगा। तो यहाँ पर हम स्पीक सेल के बटन को ऐड करेंगे, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ऐड हो चुका है। और फिर मैं जाता हूँ, यहाँ पर मुझे मिलेगा एक ऑप्शन ओके का बटन, और मैं यहाँ ओके कर देता हूँ। और दोस्तों मेरे पास आप देख सकते हैं ये स्पीक सेल का एक ऑप्शन आ गया है। अब मैं जब भी अपने डेटा को सिलेक्ट कर स्पीक सेल पर क्लिक करूंगा। Stores, item, quantity, store A, mobile, 5, store B, laptop, 4, store A, laptop, 3. तो दोस्तों है ना ये कमाल की ट्रिक। जब भी आपको कोई ऐसी लिस्ट मिल जाए जिसका आपको प्रिंट आउट एक्सेल से चेकआउट करना है, तो बार बार देखने के झंझट से बचने के लिए आप ये ऑप्शन को ट्राई कर सकते हैं और एक्सेल खुद स्पीक करेगा और आपकी लिस्ट को मैच करवाएगा। है ना दोस्तों कमाल की ट्रिक। ऐसे ही टिप्स और ट्रिक सीखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।